King of kings and Lord of lords, bless, we beseech thee, this crown. 6 मई को लंदन में जब किंग चार्ल्स की ताजपोशी चल रही थी तो हार्टली पूल में लोग कुछ अलग ढंग से राज परिवार को याद कर रहे थे। हार्टली पूल ब्रिटेन के उत्तर पूर्व का बंदरगाह शहर है। बकिंगम पैलेस को यह शहर जिस खास वजह से याद करता है, उसके तार भारत की गोफर्स्ट एयरलाइन से जुड़े हैं, जो अभी अभी दिवालिया हुई है। ये बात मई 1993 की है, जब रानी एलिजाबेथ और प्रिंस फिलिप के जहाज ब्रिटेनिया ने हार्टली पूल में लंगर डाला। प्रिंस फिलिप यहाँ दुनिया के सबसे पुराने जंगी जहाज HMS त्रिंकोमाली की मरम्मत का काम देखने आए थे। हार्टली पूल में खड़े 200 साल पुराने इस जहाज को बचाने और सक्रिय करने में प्रिंस फिलिप की खासी दिलचस्पी थी। टीक की लकड़ी से बने इस जंगी जहाज त्रिंकोमाली का निर्माण हुआ था बॉम्बे के मचगांव डॉकयार्ड में। मास्टर बिल्डर लाउजी नुसरवानजी वाडिया इस डॉकयार्ड के संस्थापक थे। HMS त्रिंकोमाली ने अपने विभिन्न अभियानों में अलास्का, प्रशांत महासागर और वेस्ट इंडीज की यात्राएं की। 200 साल पुराना यह जहाज आज हार्टली पूल में सक्रिय है और एक संग्रहालय के रूप में संचालित है। समुद्र में तैर रहा यह दुनिया का सबसे पुराना जहाज है। जहाज त्रिंकोमाली जिस वाडिया समूह की कीर्ति गाथा सुनाता है, दिवालिया हुई गोफर्स्ट एयरलाइंस इसी घराने से आती है। दुनिया में औद्योगिक घराने तो बहुत रहे हैं, मगर किसी एक औद्योगिक समूह ने इतना इतिहास बनाया या देखा नहीं होगा जितना अकेले वाडिया के पास है। पलटते हैं इतिहास के पन्ने, खनक उठते हैं किस्सों के सिक्के। बात सन 1812 की है। अमेरिका के लोग ब्रिटेन के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। मेरीलैंड के बाल्टीमोर बंदरगाह पर जमीन और समुद्र में मोर्चे बंधे थे। एक तरफ थी ब्रिटेन की रॉयल नेवी और दूसरी तरफ थे अमेरिका के विद्रोही। बाल्टीमोर का फोर्ट हेनरी ब्रिटिश रॉयल नेवी के निशाने पर था। इस किले पर अमेरिका के सेनानियों ने मोर्चा बांधा था। बाल्टीमोर के कुछ लोग ब्रिटेन के जहाज पर बंधक थे। बाल्टीमोर के वकील फ्रांसिस स्कॉट इन्हें मुक्त कराने के लिए ब्रिटिश कमांडर से मिले। मुलाकात हुई जहाज HMS मिंडन पर। वैसे तो जहाज का ब्रिटिश कमांडर स्कॉट के दोस्त को छोड़ने पर राजी हो गया, मगर इसी बीच HMS मिंडन ने अमेरिका के सबसे मजबूत गढ़ फोर्ट हेनरी पर बमबारी शुरू कर दी। फोर्ट हेनरी पर गोलाबारी कुछ ज्यादा ही भीषण थी। ब्रिटेन इस युद्ध में जीत के करीब था। वकील स्कॉट को जहाज पर बंधक बना लिया गया ताकि वह जंग की खबर अमेरिकियों तक न पहुंचा सकें। वकील स्कॉट ने जहाज से देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि हेनरी फोर्ट अब नहीं टिकेगा, ब्रिटेन की फौज इसे ढा ही देगी। लेकिन अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह फोर्ट हेनरी पर अमेरिकन झंडा देखकर हैरान रह गया। HMS मिल्डन के इसी जहाज पर उसने अमर लाइनें लिखी जो बाद में अमेरिका का राष्ट्रगीत बनी। दरअसल अमेरिका का राष्ट्रगीत एक ऐसे जहाज पर रचा गया जो बंबई के मचगांव बंदरगाह में बना था। मचगांव डॉकयार्ड यानी वाडिया ब्रदर्स की शिप फैक्ट्री। 1735 में बॉम्बे में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों के इंचार्ज मिस्टर डुडली सूरत के दौरे पर थे। उन्हें नए मजबूत जहाजों की तलाश थी। सूरत के एक जहाज निर्माता थे धुंध जी। इनके डॉकयार्ड में मिस्टर डुडली को अपनी जरूरत के जहाज मिल गए, मगर यही मिस्टर डुडली को मिले लाउजी नुसरवानजी वाडिया। मिस्टर डुडली के अनुरोध पर लाउजी वाडिया 1774 में अपने भाई और कुछ कामगारों के साथ बॉम्बे आ गए। लाउजी ने यहाँ मचगांव डॉकयार्ड की शुरुआत की। जहाजों के महारथी लाउजी को मास्टर बिल्डर की उपाधि दी गई। लाउजी के बाद मानिक जी और बोमान जी ने कमान संभाली और उसके बाद मानिक जी के बेटे फ्रांजी और बोमान जी के पुत्र जमशेद जी संयुक्त रूप से मास्टर बिल्डर बने। वाडिया ब्रदर्स ने पश्चिम की तकनीक और भारतीय टीक वुड को मिलाकर सफल जहाज बनाए और अंग्रेजों को अपना कायल कर लिया। 19वीं सदी के मध्य तक मचगांव डॉकयार्ड की प्रतिष्ठा शिखर पर थी। 1735 से 1885 तक वाडिया मास्टर बिल्डर्स की 7 पीढ़ियों ने 350 से ज्यादा जहाज बनाए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन जहाजों का इस्तेमाल चीन को अफीम और अमेरिका को ब्रिटेन व चाय पहुंचाने के लिए किया। HMS त्रिंकोमाली जो आज भी हार्टली पूल में तैरता है, वही इन्हीं में से एक था जिसका इस्तेमाल रॉयल नेवी ने किया था। वाडिया मास्टर बिल्डर्स ने HMS कॉर्नवालिस भी बनाया था। इसी जहाज पर 1842 में नानकिंग की संधि की गई
ओपियम वार खत्म हुआ और हांगकांग ब्रिटेन के हवाले कर दिया गया। लाओजी के उत्तराधिकारियों ने कारोबार का विस्तार किया। एक तरफ वे चीन में ट्रेडिंग कर रहे थे तो दूसरी तरफ अमेरिकी कंपनियों के एजेंट भी थे। वाडिया समूह ने भारत को पहली बार गैस लाइट से परिचित कराया। सातवें और अंतिम मास्टर बिल्डर जमशेद जी धुंजी भॉय 1885 में सेवानिवृत्त हुए। तब तक स्टीमशिप आ चुके थे और पुराने जहाजों का दौर गुजर गया था, मगर इस बीच वाडिया समूह ने दूसरी उड़ान की तैयारी कर ली थी। 1879 में भारत के फलक पर उभरी बॉम्बे डाइंग। 1913 में बनी बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कंपनी, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने वाली सबसे शुरुआती कंपनियों में दूसरी थी। बॉम्बे डाइंग भारत की सबसे पुरानी कंपनी है, जो करीब 125 साल से लगातार लाभांश दे रही है। 1952 में नेवल वाडिया ने वाडिया समूह की कमान संभाली और 1977 में वाडिया समूह के मुखिया बने मशहूर नुस्ली वाडिया। नुस्ली वाडिया को कारपोरेट फाइटर के तौर पर जाना जाता है। यह किस्सा 1971 का है, जब आरपी गोयन का समूह ने बॉम्बे डाइंग के अधिग्रहण की कोशिश की थी। नुस्ली के पिता नेवल बॉम्बे डाइंग को बेचना चाहते थे, मगर नुस्ली ने परिवार के भीतर सबको सहमत किया और बॉम्बे डाइंग को बचा लिया। नुस्ली वाडिया की दूसरी सबसे चर्चित जंग थी धीरूभाई अंबानी के साथ। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने तगड़ी प्रतिस्पर्धा के साथ बॉम्बे डाइंग का कारोबार तोड़ दिया था। कहा जाता है कि अंबानी की शह पर कच्चे माल का इंपोर्ट महंगा किया गया था। वह दौर बॉम्बे डाइंग बनाम अंबानी के बीच तगड़ी लामबंदी का था। इस जंग में बॉम्बे डाइंग को खासा नुकसान हुआ। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के अधिग्रहण के लिए नुस्ली वाडिया की पेशबंदी का अपना ही किस्सा है। अमेरिका की आरजेआर नेबिस्को ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज की मालिक थी। नुस्ली वाडिया ने इस कंपनी को खरीदने के लिए काजू कारोबारी राजन पिल्लई को मोहरा बनाया। पिल्लई ज्यादा ही चतुर निकले। उन्होंने फ्रेंच कंपनी डेनोन की मदद से ब्रिटानिया पर कब्जा कर लिया। बाद में पिल्लई ने कंपनी में फ्रॉड किया और उन्हें जेल जाना पड़ा। नुस्ली वाडिया ने लंबी जद्दोजहद के बाद डेनोन से ब्रिटानिया का अधिग्रहण कर लिया। अक्टूबर 2000 में एक बार फिर बॉम्बे डाइंग को लेकर कारपोरेट तलवारें टकराई थी। जूट किंग अरुण बाजोरिया ने अधिग्रहण की कोशिश की, मगर नुस्ली वाडिया ने अपनी पेशबंदी से इसे फिर बचा लिया। 2005 में वाडिया समूह ने एविएशन में पंख पसारे थे। भारत का विमान उद्योग उभर रहा था और इस बीच आई वाडिया की गो एयर, जो बाद में गो फर्स्ट बन गई और अब दिवालिया है। शिप से लेकर एयर सर्विस तक वाडिया समूह ने कारोबारों का इतिहास बनाया है। माहौल चाहे जो रहा हो, लेकिन भारत के सबसे पुराने औद्योगिक घराने ने कभी हार का मुंह नहीं देखा। वाडिया परिवार के 287 साल के इतिहास में गोफर्स्ट पहली कंपनी है जो दिवालिया हुई है। उद्योग और कारोबार के गलियारों में बुजुर्ग अपनी अगली पीढ़ी को बताते हुए मिल जाते हैं कि दुनिया में कोई भी कारोबार या धंधा चलाया जा सकता है, केवल एयरलाइंस को छोड़कर, क्योंकि इसमें एक बार डूबने के बाद उबरने की गुंजाइश नहीं होती। क्या वाडिया इस कहावत को गलत साबित कर देंगे? वक्त का इंतजार कीजिए। जो भी हो, एक और नया किस्सा जरूर बनेगा। देखते रहिए मनी 9। समझ है तो सहज है।